नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट अगर 2-3 दिन का पिछले का हम देखते हैं हिस्ट्री, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पहले ही यहाँ पे 1-2 कैंडल में मूवमेंट हो जाने के बाद में हम साइडवेज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे हम गैप अप ओपन होते हैं, एक अप मूव लगाते हैं, फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आके कंसोलिडेशन, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके वापस उसी जगह। तो ये जो अगर आप लाइन देख रहे हो यहाँ से, ये जो लेवल है ऊपर में जो रहेगा करीबन 325 के आसपास, नीचे में है 24-260। तो ये रेंज के आसपास ही यहाँ पे आपको पिछले 4 दिन को मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक तो ऊपर से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहाँ पे ट्रैप कहाँ पे होंगे वो हम देखते हैं। आज भी रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ से हम अगर नीचे से देखें तो ये ट्रेंड लाइन बनती है ये बात। तो आपके पास अभी क्या है कि प्राइस एक नैरो रेंज में चल रहा है, स्क्वीज हो रहा है, और यहाँ से एक आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। ऊपर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये जो हमारा ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि ये इसको कनेक्ट करता हुआ है हमें बनाना है, और ये हमारा आएगा ये लेवल से। इसको मैं थोड़ा और सही से कर देता हूँ, तो ये रहेगा हमारा। तो इसमें क्या होगा कि ट्रैप कब होंगे कि जैसे अगर मार्केट अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट आता है, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, इसको अभी ब्रेकआउट करने जाएगा, और प्राइस हो सकता है इस लेवल से रिजेक्ट कर सके। इस लेवल से रिजेक्ट करेगा तो जब यहाँ पे ये वापस ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, एक क्विक फॉल यहाँ तक एक बार लेके जा सकता है, जो आपका आपका 24-140 के आसपास एक बाउंस आएगा, और वो वापस अगर यहाँ पे फिर से 220 के आसपास से रिजेक्शन करता है, तो एक अच्छा सा फॉल नीचे की साइड जो लेके जा सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है 900 के आसपास, यहाँ तक के लिए एक अच्छा सा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रखना, कल एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड मिल सकता है, पर कंफर्मेशन क्या करना है हमें कि अगर यहाँ से ये रिजेक्शन आता है, तो ये लेवल कौन सा रहेगा आपका 24-410 के आसपास। तो जब तक 428 को क्रॉस नहीं करता है, हमें कॉल में नहीं बैठना चाहिए, पर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन आता है तो एक हमारे लिए शॉर्ट का ट्रेड बेस्ट रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर बात करें तो ये थोड़ा वीक है कंपेयर टू निफ्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तो ये जो पॉइंट है वो आपका एक रिजेक्शन। अभी मैंने जो हमारे मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये 52-800 का लेवल अभी यहाँ पे सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, ये आपका यहाँ से अगर देखते हो तो पहले रेजिस्टेंस, इसने ब्रेकआउट दिया, अब सपोर्ट भी है, ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है वापस रेजिस्टेंस। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है कॉल में नहीं बैठना है, पर नीचे की साइड आपके लिए यहाँ पे ट्रेड खुला हुआ है, तो एक क्या करना है आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है ये पॉइंट से यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद में हमारा ट्रेड, अगर कल समझो कि हम फ्लैट ओपन होते हैं और जैसे ये लेवल निकलता है, शॉर्ट मत करना, वेट करना, एक आएगा डिप 220 से वापस रिवर्सल, वो अगर 312 को ब्रेक नहीं करता है तो शॉर्ट करना, नीचे में आपको 51-800 तक पहले एक बार लेके जा सकता है, जो यहाँ पे आपको फिर से कंसोलिडेशन, इसके बाद में फिर से एक बाउंस आएगा, 52,000 को नहीं ब्रेक किया तब हमारा फाइनल टारगेट होगा 51-200, तो एक ड्रॉ लाइन यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल टारगेट विद द कंडीशन कि अगर आपका ये प्राइस एक्शन बनता है तो हम इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है यहाँ तक, तो हमें इसमें पहले ड्रॉ लाइन का करना है यहाँ से, ये हमारा ड्रॉ लाइन बनता है ये वाला। प्राइस ने हमें एक यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दिया था, वापस इसने आके इसी जोन में क्लोज किया है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपका जो सेल रहता है वो है 23,750। तो जब तक ये 750 के ऊपर नहीं जाता है आपको कॉल में नहीं बैठना है, पर अगर इसी के आसपास कोई भी आपको पोजीशन यहाँ पे मिलता है, यानी कि शॉर्ट कैंडल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उसका हाई है उसको ऐसे लगा के आप शॉर्ट करोगे, और अगर गैप अप ओपन के वापस यहाँ पे आ जाता है तो क्या होगा, ऊपर में यहाँ पे जिन्होंने 800 शॉर्ट किया है, नीचे पे यहाँ पे 500, मार्केट साइडवेज होके खत्म हो जाएगा। अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा
जब हम यहाँ पे या तो गैप डाउन ओपन होके वापस यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा नीचे 360। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकडाउन देता है सेकंड हाफ में, एक अच्छा सा पुट में पैसा बन सकता है। ये हमारा तीनों इंडेक्स का है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सबसे जो ज्यादा ओआई है अभी वो 24,000 एक राउंड फिगर है। ऑपोजिट क्या है, 24,500, ये 500 पॉइंट का एक रेंज बना के चल रहा है। इन द मनी में आपको पुट साइड इतना अभी देखने को नहीं मिल रहा है शॉर्ट। यहाँ पे देखेंगे 11 लाख है, यहाँ पे 2,88,000 है, जबकि ऑन द अदर साइड आपको 24,200 पे 18 लाख में देखने को मिल रहे हैं, और अदर साइड जो 24,350 है वो 22 लाख के आसपास है। तो कल अगर हमें मॉनिटर करना है तो क्या नोटिस करना है कि अगर हम 24,260 ब्रेक करते हैं उसके साथ में 24,200 का जो ओआई है वो जो ये 18 लाख है बढ़ के 25 या 30 हो जाता है, तो एक कंफर्म हमें नीचे की साइड एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। 24,040-50 के आसपास पहला टारगेट हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें 24,430 के ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। 460 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट आपको 50-60 पॉइंट का ऊपर की साइड शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। अच्छा जो शॉर्ट कवरिंग आएगा वो 430 के बाद आएगा। कल एक्सपायरी है उसका भी देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी का डेटा में हमें 23,500 पे हाईएस्ट ओआई जो शॉर्ट है वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी जो चार्ट में हमने देखा कि 750 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो 12 लाख के आसपास है, तो इन द मनी इसमें भी हमको इतना ओवाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, मार्केट ओपन होने के बाद में 23,400 का कॉल एंड 23,700 का पुट, ये तो हमें ध्यान में रखना होगा। जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा वही हमें एक अच्छा सा ट्रेड दिलाएगा। इसके ऑप्शन चेन में अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर सको कि ये उसी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अभी न्यूट्रल है डेटा, कल प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको इसमें ट्रेड करना होगा। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी फ्लैट ही कह सकते हैं, 40.6 माइनस है, नस्डेक प्लस है, और इसको ध्यान में रखना। इसमें आज अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है विक्स, अगर ये बजट के टाइम पे अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट ये कंटिन्यू होता है तो हम वापस 16 से 18 तक एक बार ऊपर जा सकते हैं, तो प्रीमियम वहां पे फिर से इंक्रीज होगा। USD INR जब तक ये 83.60 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है आपको ये रेंज देखने को मिलेगा 83.10 से लेके 83.60। बाकी सारी चीज नॉर्मल है तो यहाँ पे कोई हमारे पास क्यू नहीं है। जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद में प्राइस एक्शन से हम ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।